स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। हिमाचल की राजधानी शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में दिवाली के दूसरे दिन पत्थरों का एक अनोखा मेला लगता है। सदियों से मनाए जा रहे इस मेले को पत्थर का मेला या खेल कहा जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले में दो समुदायों के बीच पत्थरों की जमकर बरसात होती है। करीब 300 साल पुरानी मान्यता के तहत दो समुदायों के बीच जमकर पत्थर चले, जिसका नमूना आज भी धामी में देखने को मिला, जहां दोनों तरफ से पत्थरों की जमकर बरसात हुई। पच्चीस मिनट तक चले इस खेल का यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो गया। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में सैकड़ों की संख्या में लोग धामी के मैदान में शामिल हुए। धामी रियासत के राजा पूरे शाही अंदाज में मेले वाले स्थान पर पहुंचे। माना जाता है कि पहले यहां हर वर्ष भद्रकाली को नर बलि दी जाती थी, लेकिन धामी रियासत की रानी ने सती होने से पहले नर बलि को बंद करने का हुक्म दिया था। इसके बाद पशु बलि शुरू हुई। कई दशक पहले इसे भी बंद कर दिया गया। तत्पश्चात पत्थर का मेला शुरू किया गया। मेले में पत्थर से लगी चोट के बाद जब किसी व्यक्ति का खून निकलता है तो उसका तिलक मां भद्रकाली के चबूतरे में लगाया जाता है। इस मेले में महिलाएं भाग नहीं लेती, वे दूर से मेले को देख सकती हैं। मान्यता है कि धामी रियासत में मां भीमा काली के मंदिर में हर साल दिवाली के दूसरे दिन मानव बलि दी जाती थी, लेकिन तत्कालीन रियासत के राणा परिवार की रानी इस बलि प्रथा को रोकना चाहती थी। इसके लिए रानी यहां के चौराहे में सती हो गई। उसके बाद नई परंपरा शुरू हुई। इस थाचन का खेल का चौरा रखा गया है और यहां पर ही पथिर का मेला मनाया जाता है। धामी रियासत के राज परिवार की अगुवाई में सदियों से यह परंपरा निभाई जा रही है। राजवंश व लोगों को तो ये भी कहना है कि आज तक पत्थर लगने से किसी की भी जान नहीं गई है। काफी सदियों से चला रहा है, काफी सैकड़ों वर्षों से चला रहा है मेला। तो पहले ऐसी स्थिति थी कि पहले यहाँ पे मानव बलि हुआ करती थी, जो धामी क्षेत्र था, धामी रियासत थी, या मानव बलि हुआ करती थी। तो मानव बलि के बाद जब यहाँ पे हमारे एक राजा का देहांत हुआ तो रानी ने सती होने से पहले सती प्रथा होती थी, सती होने से पहले उन्होंने ये प्रथा जो मानव बलि की थी वो बदली। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जो मानव का खून होता, मानव का रक्त होता था, वो भद्रकाली माता को चढ़ाया जाता था। और ये माना जाता था कि ऐसा करने से यहाँ पे जो धामी क्षेत्र है, धामी रियासत है, वहाँ के लोगों में खुशहाली आएगी, प्रकोप नहीं आएगा और किसी तरह की महामारी नहीं आएगी। तो इसको ये जो प्रथा थी मानव बलि की, ये रानी ने सती होने से पहले बदली और अपने जो धामी क्षेत्र के कुछ खून थे, क्लैंस थे कुछ, जैसे दगोई, जमोगी, तुनडू, कटेड़ू और जठौती, साथ में राज परिवार के लोग की टोलियां बनाई जिसे खुंद बोलते हैं, उन टोलियों से क्या में एक दूसरे को काफ़ी दूर से पत्थर मारे जाते थे और अभी भी मारे जाते हैं। और जब भी मानव का रक्त निकलता है तो उसके भद्रकाली को लगाया जाता है। तो मानव बलि बंद करते हुए ये प्रथा शुरू की गई थी। पत्थर लगने के बाद मेले को बंद कर सती माता के चबूतरे पर खून चढ़ाया जाता है। साथ ही जिसको पत्थर लगता है उसका इलाज साथ लगते अस्पताल में करवाया जाता है। राज परिवार में यदि मौत भी इस दौरान हो जाए तो पहले मेले की रस्म निभाई जाती है, उसके बाद दाह संस्कार किया जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें न्यूज़ रूम पोस्ट।